नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, बेरोजगार युवाओं के साथ खेल रही सरकार। ऐसा दोस्तों क्यों कह रहा हूँ, लाइव प्रूफ के साथ जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बार फिर से जो है राजस्थान में चुनावी माहौल है, नए नए वादे लेकर जो है जनता के जनप्रतिनिधि जो भी उम्मीदवार हैं वो नए नए वादे एक बार फिर से जनता के सामने लाकर रख रहे हैं। फिर से एक बार जो है कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं को बेवकूफ बनाने की प्लानिंग जो है वो पूरी अच्छे लेवल पे जो है की जा रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जो है बेरोजगार युवाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए लाइव प्रूफ के साथ जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ राजस्थान में जो वैकेंसीज आने वाली थी उनके नाम पर केवल और केवल घोषणाएं की गई है, कोई भी वैकेंसी जो है राजस्थान में जारी नहीं हुई है। स्पेशली जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो जो है यहाँ पे बिल्कुल भी वैकेंसी जो है गवर्नमेंट की ओर से जारी नहीं की गई। सबसे पहले देखिए हमें बात करना चाहूंगा विद्युत विभाग में, जो बिजली विभाग में वैकेंसी आने वाली थी उसके लिए। देखिए यहाँ पे जो है आप लोग स्क्रीन शॉट पे देख पा रहे होंगे, ऊर्जा विभाग ने एक साल पहले 9000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, नोटिफिकेशन तक जारी नहीं। तो जब राजस्थान सरकार बनी अपने पहले बजट में इन्होंने लगभग लगभग 6000 टेक्निकल हेल्पर पदों की घोषणाएं की थी। इसमें देखिए 2000 जयन और अयन के पद थे और 6000 जो है तकनीकी कर्मचारियों की वैकेंसीज थी। तो ये इसमें से केवल और केवल 1512 पदों पर वैकेंसीज जारी हुई। उसके बाद में आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो है एक घोषणा और ये भी हुई थी कि विद्युत उत्पादन निगम में जो है नई वैकेंसीज जारी करेंगे, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए वो वैकेंसीज भी जो है इन्होंने जारी नहीं की। इसके बाद में देखिए सेकेंड नंबर की जो वैकेंसी है वो है रोडवेज विभाग भर्ती। रोडवेज विभाग की जो वैकेंसी थी उसको लेकर भी जो है रोडवेज निगम में 9 साल बाद 5200 पदों पर होगी भर्ती, अगस्त तक प्रक्रिया संभव। दोस्तों भर्ती नहीं आई है, चुनाव आ गए हैं, भर्ती अभी भी नहीं आई है लेकिन चुनाव आ चुके हैं। 5200 पदों पर यह भर्ती आने वाली थी लेकिन गवर्नमेंट ने जारी नहीं की। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है जलदाय विभाग में टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती। जलदाय विभाग में भी जो है कभी फाइल इधर जा रही है कभी उधर जा रही है लेकिन अभी तक जो है वो फाइल जो है कंप्लीट नहीं हुई और उसकी विज्ञप्ति भी जो है जारी नहीं की गई। बेरोजगार युवाओं के साथ कहीं ना कहीं जो है एक छल किया गया, उनको कहीं ना कहीं जो है इस आश्वासन में रखा गया, कहीं ना कहीं उनके सपनों के साथ जो है खिलवाड़ किया गया, उनके साथ मजाक किया गया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट भर्ती थी वो थी कनिष्ठ अनुदेशक। गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजों के अंदर जो है टीचर की वैकेंसी आने वाली थी, कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा युवाओं को वृद्ध स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पे बाकायदा जो है न्यूज़पेपर्स की ये कटिंग जो है मैं आप लोगों के सामने रख कर जो है विद प्रूफ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट खुद जो जनता के लिए चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, वो सरकार भी जो है कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ खेल रही है और फिर से कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया जाएगा इन जो भी चुनावी वादे हैं उनके द्वारा और बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ जो है एक बार फिर से ये गेम जो है बड़ी आसानी से जो है अच्छे से जो है खेला जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ही गलत चीज है। मैं जो भी गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, सभी को जो है एक बार फिर से उनके द्वारा जो किए गए वादे हैं एक्चुअल में वो सब चीजें आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या तो आश्वासन दो ही मत या तो बजट में घोषणाएं करो ही मत, और करते हो अगर तो उन घोषणाओं को आप लोगों को पूरा भी करना चाहिए। आपका जो भी कार्यकाल आपको मिलता है उसमें आप लोगों को जरूर उन सभी वादों को पूरा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद रहेगी कि आगे जो भी गवर्नमेंट बेरोजगार युवाओं के लिए कदम उठाएगी वो उनके हित में उठाएगी, ऐसी चीजें उनके साथ नहीं होगी कि केवल घोषणाएं ही होके रह जाए और विज्ञप्ति कभी जारी ना हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।